कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री 6 महीने पहले ही चाहते थे कि हम कांग्रेस पार्टी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो भी घटनाक्रम हुए उनके पीछे सोची समझी चाल थी। अनिल शर्मा ने कहा कि दुनिया गोल है, जो कुछ भी हमारे परिवार ने झेला है वही अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम स्वार्थ की राजनीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान की राजनीति करते हैं, भाजपा में शामिल होने के पीछे भी यही मकसद है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से भी सवाल किया है कि मुझे नहीं पता मलाई का मतलब क्या है, मुझे तो छाछ ही मिली है, लेकिन मैंने जब भी मंडी के हित मंत्रिमंडल से बात की तो उसका विरोध सबसे पहले कौल सिंह ठाकुर ने किया है। उन्होंने कहा कि कोटली में कॉलेज की बात मंत्रिमंडल में की तो उसका विरोध कौल सिंह ठाकुर ने किया कि मंडी में कॉलेज है, 22 किलोमीटर पर कॉलेज की क्या आवश्यकता है, जबकि मैंने पधर और पनारसा में कॉलेज का कभी विरोध नहीं किया। अनिल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की मंडी रैली को पटेल मैदान में कराने का मैंने विरोध किया था, मगर वीरभद्र सिंह ने मेरी बात नहीं मानी। अनिल शर्मा ने कहा कि जब प्रतिभा सिंह को मंडी में चुनाव लड़ना था उस समय हिम्बिका का कांग्रेस में विलय करवाया गया। वीरभद्र सिंह ने कहा था कि अनिल शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, मगर प्रतिभा की जीत के बाद पंडित सुखराम से भी इस्तीफा मांग लिया गया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जब मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे तो उन्हें मात्र 11,000 मतों से जीत हासिल हुई थी, जिसमें 7,000 किलीर सदर विधानसभा क्षेत्र से दिलवाई गई। कार्यकर्ताओं का मैंने कांग्रेस में रखा था, कार्यकर्ता जो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी और हमारे जो पंचायत के प्रधान है, उप प्रधान है, पूर्व में रहे प्रधान है, उन सभी का आज मैंने इसमें रखा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने फैसला परसों लिया था वो जल्दी का फैसला था और इमोशनल फैसला था, इसलिए मुझे इस बात की भी चिंता थी कि मेरे फैसले के बाद मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल का क्या होगा, कैसे उनसे मैं बात करूंगा। परंतु आज मुझे इस बात की खुशी है कि सभी जितने पंचायतों के प्रधान हैं, एक या दो पंचायतों के प्रधान जो शामिल नहीं हुए हैं उनको छोड़कर सभी पंचायतों के प्रधान जो कांग्रेस के थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान और प्रधान जो थे अब ये सम्मेलन में हमने, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन मैं कह सकता हूं, जो आज यहां पर आए, मुझे इस बात से हौसला होता है कि आज उन्हें इस बात का मलाल नहीं है कि मेरा फैसला क्या था। आज वो ये कह रहे हैं कि जिस इस फैसले के साथ सभी हम मेरे साथ हैं और इस चुनाव के अंदर वो मेरे साथ खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस बात को कहा कि मैं तो चाहता था कि पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी कहीं चले जाते, पार्टी छोड़कर चले जाते। तो इससे साबित होता है कि इनका मन था कि किसी तरीके से उनको इस तरीके से परेशान किया जाए, इतना जलील किया जाए कि ये पार्टी छोड़कर चले जाए। अनिल शर्मा के समर्थन करने वाले लोगों ने कहा कि उनका मसीहा जिस ओर जाएगा वे उसी ओर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे अनिल शर्मा का साथ नहीं छोड़ेंगे। अनिल शर्मा जी आएंगे जाएंगे, हम इनके साथ हैं और हमें बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने परिवर्तन लाया। दूसरे आदमी कई बार बीच में बात करते थे, हमने जो कोर्ट में बातचीत की हम उनको ज्यादा वेटेज देंगे, हम उनके पीछे एक लाइन में चलेंगे, जो वो दिशा निर्देश जो गाइडलाइन करेंगे हम उसी के अनुसार काम करेंगे।